नागपुर के एक युवक ने फेसबुक के जरिए घुग्घुस की एक युवती से दोस्ती की। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गया। शादी का झांसा देकर युवक ने शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसने लड़के की आपत्तिजनक तस्वीरें ली और उसे बदनाम करने की धमकी दी। इसी बीच उसने सोशल मीडिया पर लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी शेयर की। युवती ने आखिरकार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को हथकड़ी लगा दी है। नागपुर के एक युवक ने शादी का झांसा देकर घुग्घुस की एक युवती की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आरोपी की पहचान नागपुर जिले के शुभम गणेश उइके के रूप में हुई है। शुभम की 2018 में चंद्रपुर जिले की 23 वर्षीय लड़की से फेसबुक के जरिए दोस्ती हो गई। युवक ने उसे प्यार के जाल में फंसाया, झूठी कस्में और शादी का लालच दिखाया। वो युवती से मिलने घुग्घुस आने लगा। इसी दौरान शुभम ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक फोटो खींची। इसके बाद उसने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी दी और युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि यही नहीं, रुकते हुए सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों को यूनिवर्सल भी बना दिया गया। युवती ने घुग्घुस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रताड़ना का मामला दर्ज कर आरोपी शुभम उइके को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस निरीक्षक बबन पुसाते के मार्गदर्शन में आगे की जांच जारी है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।